आपको भी चाट खाना पसंद है तो आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार से भी अच्छी पापड़ी चाट घर में। इस पापड़ी को आप देखिए कितनी क्रिस्पी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। पर ये बाजार की पापड़ी नहीं है, इसे हमने घर में बनाया है। तो इस पापड़ी को कैसे आपको बनाना है सारे टिप्स और ट्रिक बताऊँगी, जिससे आपकी भी पापड़ी बहुत ही अच्छी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इस चाट को आप घर में बना लेंगे तो बाजार की पापड़ी चाट खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनती है। आइए देखते हैं खट्टी मीठी चटपटी तीखी पापड़ी चाट को कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। आप चाहें तो इसमें 1/2 कप आटा ले लें और 1.5 कप मैदा ले लें। आटा बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपकी पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक, साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथ से क्रश करके डालें, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने से पापड़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच तेल। तो तेल हमने लिया है सफोला गोल्ड। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर आप देसी घी डालकर बनाएंगे तो भी पापड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब इस तेल को हम बहुत अच्छे से इस मैदे में मिक्स करेंगे। जब आप तेल को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तभी आपकी पापड़ी बहुत अच्छी बनेगी। आप देखें ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया है। और जब इस मैदे को आप इस तरह से मुट्ठी में बांधेंगे तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा ही आपका मैदा तेल डालने के बाद बनना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सख्त आटा लगाएंगे, जैसा हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं। इसमें हमने सूजी नहीं डाला है। बहुत सारे लोग सूजी डाल करके पापड़ी बनाते हैं, पर बिना सूजी डाले भी ये पापड़ी सिर्फ मैदे से बहुत अच्छी बनेगी। तो मैदा को हमने गूंथ लिया है, बिल्कुल उतना ही सख्त रखा है जितना हम पूड़ी बनाने के लिए आटा सख्त रखते हैं। इसे गूंथने में हमें बहुत कम पानी लगा है। आप देखें 1 कप पानी हमने लिया था तो इतना पानी इसमें से बच गया है। इसे ढक देंगे 30 मिनट के लिए ताकि ये मैदा अच्छे से सेट हो जाए। 30 मिनट बाद अब इसकी हम बनाएंगे पापड़ी। तो वापस से इसे हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे रोल करके चपटा कर लेंगे और फिर इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इसमें हम ना तेल लगाएंगे ना ही सूखा आटा, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से बेल सकेंगे आप, क्योंकि इसमें हमने इतने अच्छे से मोयन डाला है तो इसमें तेल मैदा कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। और इसे आप किसी भी शेप में बेल लें, क्योंकि इसे हमें कट ही करना है और इसे हम पतला बेलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जब आप इसे पतला बेलेंगे तभी आपकी पापड़ी बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत अच्छी बनेगी। आप देखिए इसे हमने कितना पतला रखा है। ऐसे ही आप पहले मैदे की रोटी बेलकर तैयार कर लें। अब इसमें हम करेंगे छेद फोक से। छेद इसलिए करेंगे ताकि ये तलते समय फूले नहीं। अगर आप छेद नहीं करेंगे तो जब आप इसे तलेंगे तो ये पूड़ी की तरह फूल जाएगा। इसे काटने के लिए हमने लिया है स्टील का ढक्कन। आप चाहें तो कुकी कटर से भी इसे काट सकते हैं। जितना बड़ा आपको ये पापड़ी बनाना हो उस साइज़ का आप ढक्कन या कुकी कटर ले लें, उसी से आप कट कर लें। तो आप देखें एक साथ इतनी सारी पापड़ी तैयार हो जाती है। जो ये साइड का आटा है इसे हम दोबारा जब बेलेंगे तो उसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम उठाकर अब रखते हैं साइड में और इसी तरह से हम सारी पापड़ी को बेलकर पहले तैयार कर लेंगे। एक साथ आप उठाकर रखें, ये आपस में बिल्कुल चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें मोयन बहुत अच्छे से हमने डाला है। जितनी बड़ी आप रोटी बेल लेंगे उतनी जल्दी आपकी पापड़ी बेलकर तैयार हो जाएगी। तो इसे भी हमने पतला सा बेल लिया है और फोक से इस पर होल कर लेंगे और पहले की तरह ही इसे भी कट कर लेंगे। तो पहले आप इसी तरह से बेल करके सारे पापड़ी को कट करके तैयार कर लें, उसके बाद ही इसे आप तलें। तो हमने सारे पापड़ी को बेल करके तैयार कर लिया है। आप देखें ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो ऐसे आप बेल करके सारी प्लेट में इकट्ठा करके रख लें तो बहुत जल्दी ये पापड़ी आपकी तलकर तैयार हो जाएगी। चलिए अब इसे तल लेते हैं। तो कढ़ाई में हम डालेंगे सफोला गोल्ड तेल। इस पापड़ी को आप इसी तेल में तलें।
आपकी पापड़ी लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो तेल को हमने अच्छा गर्म कर लिया है, फ्लेम को मीडियम हाई पर रखेंगे। तेल अच्छा गर्म है, हाथ पर एक साथ पापड़ी ले लें और एक एक करके तेल में डालते जाएं। फ्लेम को हमने मीडियम हाई पर रखा है, इसे आप हाई फ्लेम पर ना तलें, नहीं तो बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। और इसे अब चलाते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जब ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरह से इसे उलटते पलटते हुए दोनों तरफ ब्राउन होने तक तलेंगे। तो आप देखें इस पापड़ी पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे। थोड़ी देर कढ़ाई में रोक कर रखें, एक्स्ट्रा तेल निकल जाए तभी आप इसे निकालें प्लेट में। सारे पापड़ी को इसी तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। आपने देखा पापड़ी बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। एक साथ आप इसे बेल कर रख लें, उसके बाद आप इसे तलें तो तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जिस तरीके से हमने आपको बताया है उस तरीके से आप बेलेंगे तो आप बहुत जल्दी पापड़ी बेल कर भी तैयार कर लेंगे। सारे पापड़ी को हमने तलकर तैयार कर लिया है, फ्लेम को बंद कर देंगे। आप इस तरह से पापड़ी बनाकर एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखें। जब आपको पापड़ी चाट खाना हो तब आप डिब्बे से निकालें और चाट बनाकर बड़ी आसानी से खा सकते हैं। ठंडी होने के बाद आप देखें ये कितनी क्रिस्पी बनी है और इस पापड़ी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो इसे सर्व कैसे करेंगे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो पहले हम प्लेट में पापड़ी रख देंगे, तो जितनी पापड़ी आपको रखनी है उतनी रख लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू छोटे टुकड़ों में काट कर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काबली चना बॉयल किया हुआ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, हरी धनिया, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही। दही को हमने फेंट लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी डाल दिया है। आप इसमें नमक ना डालें, नमक डालने से दही पानी छोड़ देगा। तो आपको जितना पसंद हो उतना दही आप इसके ऊपर डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी कैसे बनानी है इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया है, लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिना तेल की चटनी हमने बनाई है जो आप फ्रिज में रखकर लंबे समय तक खा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरी धनिया की चटनी। तो हरी धनिया की चटनी भी बड़ी आसानी से घर में बन जाती है। तो चटनी आपको कितनी डालनी है अपने पसंद से डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे सारे मसाले। तो आप इसमें चटनी, मसाले, मिर्चा सब अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इसके ऊपर डालेंगे बारीक वाला भुजिया सेव जो चाट पर डलता है। अच्छे कलर के लिए डाल देंगे इस पर थोड़े से अनार के दाने। तो सर्व करने के लिए तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी पापड़ी चाट। आप चटनी बनाकर दोनों रख लें फ्रिज में, दही फेंट करके फ्रिज में रख लें और ये पापड़ी बनाकर रख लें, तो आपका जब भी मन करे आप बड़ी आसानी से इस पापड़ी चाट को घर में बनाकर खा सकते हैं। तो आपने देखा इस चाट को घर में बनाना कितना आसान है। एक बार आप मेरे तरीके से इस पापड़ी चाट को घर में बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए। इसे शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें चाट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।